Diet is good. Diet, planning your diet or regulating your diet is good. But what I am saying is your organ will not become stronger by diet. Maybe your sugar level will come. तो अगर शुगर लेवल आपका नीचे आता है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी क्या? आप ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये आप सोच रहे हैं, और मैं उन डॉक्टर्स को या उन लोगों को गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि उनका भी अपना परसेप्शन है। 5 साल 10 साल में पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ब्लड शुगर कंट्रोल करके डायबिटीज ठीक नहीं, बल्कि अभी भी मालूम ही है ब्लड शुगर कंट्रोल करके डायबिटीज ठीक, ये भी मालूम है, मगर ठीक है, हर एक लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी बात, हाउ डू यू नो द ब्लड ग्लूकोज इज अ वे? पहली बात आप ये डिसाइड कर लो, इज योर बॉडी इंटेलिजेंट और नॉट? पहले तो आप ये डिसाइड कर लो, 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू हैव डायबिटीज 100 ईयर्स बैक? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। So, अगर 100 साल पहले डायबिटीज नहीं था और लाखों सालों से इस बॉडी ने अपने आप को बचा के रखा है, तो दिस बॉडी इज ऑब्वियसली मोर इंटेलिजेंट। द मोमेंट वी स्टार्टेड इंटरफेरिंग इन द प्रोसेस ऑफ दिस बॉडी, इट बिकेम बैड। हमने ज्यादा इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की शरीर में, तभी तो खराब हुआ। आपने तो क्रिएट किया है डायबिटीज, डायबिटीज होता नहीं है कुछ भी, हमने क्रिएट किया। सो Your body is intelligent. You must remember this. पहली चीज आप समझिए कि आप हार्ट बीट नहीं करवा रहे, यू आर नॉट डूइंग लिवर फंक्शन, यू आर नॉट डूइंग किडनी फंक्शन, योर बॉडी इज डूइंग इट। सो द बॉडी नोज, शरीर को मालूम है। तो क्या होता है कि ब्लड में जब भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा आएगा तो वो वेस्ट ग्लूकोज को बाहर फेंकना चाहिए ना बॉडी को, क्योंकि बॉडी समझदार है, अगर वो वेस्ट होगा तो बाहर फेंकेगा। यस और नो? इतनी सिंपल सी बात में समझिए कि अगर बॉडी में कोई भी वेस्ट होगा तो बॉडी उसको बाहर फेंकेगा, क्योंकि बॉडी इंटेलिजेंट है। अगर वेस्ट ग्लूकोज है तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आप पानी ज्यादा पियोगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, उसमें ग्लूकोज निकलता है। अगर आप बाहर पेशाब करेंगे तो वहां चीटे आ जाएंगे। यस और नो? आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते? आप जानते हैं इस बात को। तो बॉडी ने क्या किया, ग्लूकोज को बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि वो वेस्ट था। अगर वेस्ट नहीं होता तो यूटिलाइज कर लेता, वेस्ट है इसीलिए तो बाहर फेंक रहा है। तो आप नेचुरल सेंस ऑफ लाइफ पे को देखेंगे तो आपको भी मालूम है ये, है ना? अगर आपने जबरदस्ती कुछ दिमाग में घुमा लिया, घुसा लिया, तब प्रॉब्लम होती है ना, पता नहीं मुझे क्या है ये। लेकिन आप देखिए ना, नेचुरल सेंस ऑफ लाइफ, जीवन का प्राकृतिक ये समझ है कि वेस्ट होगा तो बाहर फेंक देगा, इसीलिए तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करा के ग्लूकोज बाहर फेंक रही है, नहीं तो यूटिलाइज कर लेती ना। इतना ग्लूकोज आपके अंदर है फिर भी कमजोरी फील कर रहे हैं, फटीग फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको तो जरूरत से ज्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए था, इतना अगर यूजेबल ग्लूकोज है आपके अंदर तो। यस और नो? हाँ या ना? आप थकान क्यों महसूस करते हैं अगर इतना ही ग्लूकोज है आपके अंदर तो? जरूरत से ज्यादा एनर्जी है तो क्यों थकान महसूस कर रहा है? क्योंकि वो लायक नहीं है इसके कि आपका शरीर उसको इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करता तो आप थकावट नहीं महसूस करते, ऑर्गन जो है वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे होते आपके। कोई भी चोट को ठीक करने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए ना, आपका चोट ही नहीं होता ठीक, इतना ग्लूकोज है शरीर के अंदर। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोग सब समझदार हैं, अपना समझदारी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी मालूम है इस बात को, इसीलिए वो वेस्ट ग्लूकोज है। इट्स अ प्रूफ, वेस्ट ग्लूकोज है।